अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, मटन पुलाव। यहाँ पे मैंने अपना जो मटन है वो रख दिया गलने के लिए, और ये प्याज जो है मैं ब्राउन कर रही हूँ। ये प्याजों का हम कलर निकालेंगे, और इसमें मैंने 2 क्लोव्स डाल दिए हैं और 1 सिनेमन स्टिक डाल दिए। जब प्याज जो हैं थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से ये होगा कि इसका कलर आ जाएगा, कलर निकल आएगा। हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी ड्राई होगा हम पानी डालते जाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो निकल आए प्याज का। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट बना के रखी हुई है, तो हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टीस्पून। जब हमारा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा सोते हो जाएगा, एक बार फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसको इसका कलर आने देंगे। साथ में 3 से 4 बड़ी ग्रीन चिली और 1 टमाटर, इसको चॉप करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसमें हम फिर ऐड करेंगे हल्का सा पानी और इसको फ्राई होने देंगे। इसका वाटर ड्राई हो गया और कलर काफ़ी आ गया। अब हम इसमें अपनी चिली और जो टोमेटो है वो ऐड करेंगे। अब 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। सिमिलरली 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल घुल गए हैं, तो इस पॉइंट पे हमने चावल भिगो के रखे थे 1 कप, वो इसमें शामिल कर देंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि पहले सबसे इसमें हमने गोश्त अपना गला लिया था वो ऐड करेंगे। उसको थोड़ा सा पकाएंगे इसके साथ और फिर हम चावल ऐड कर देंगे। जब आपको लगे कि ये थोड़ा फ्राई हो गया तो इस पॉइंट पे आप जो राइस हैं वो ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे। राइस को फ्राई करने के बाद ये जो हमारा स्टॉक था, मीट स्टॉक, वो हम ऐड कर देंगे और इसको चावलों को पकने देंगे जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते, और उसके बाद हम इनको दम दे देंगे। नमक और काली मिर्च जो है आप इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए।